पहले इनको विकलांग बोला जाता था, जब भारत सरकार आए और बीजेपी सरकार आई तो इनको एक नाम दिया गया दिव्यांग। तो ये लोग यहाँ जंतर मंतर पे ये जो अपना मांग को लेके बैठे हैं NPID के तहत, हमारे बीच में एक महिला आई हमसे जानकर। मैडम आपका नाम? अनिशा। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली NAB से आए हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से आए हैं। सेंस हमें सहयोग देती है, उनकी तरफ से संस्था से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आए हैं। और ये मेरी बेटी है वेरोनिका। और काफ़ी सारे हमारे रेलवे के भी इशूज़ हैं, इशूज़ हम लोगों को हर क्षेत्र में मिलते हैं जी, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे हर किसी के घर में नहीं होते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए जी। तो ये समस्याएं रहती हैं। अभी रेलवे में भी बहुत समस्याएं हैं, हमारा ना तो स्मार्ट कार्ड बन पा रहा है, हमारे पेपर जमा होने के बावजूद भी 3-4 महीने हो गए पेपर जमा हुए, लेकिन आगे से हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हाँ जी, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और रेलवे में भी कंसेशन में और सब चीज़ों में हमें मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात होती है जब सरकार कई बार किसी रूल को बना देती है, वो अच्छे रूल होते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं होता है या छोटे लोग या अफसर जो उस काउंटर पर बैठे हैं, सीट पर बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है और वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी आती हैं। जैसे आधार कार्ड, अभी हुआ आधार कार्ड में हमारे बच्चों के, क्योंकि ये हाथों से कोई काम नहीं करते हैं, इनको कोई काम करना नहीं आता, ये मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, तो इनको आधार कार्ड में थंब इम्प्रेशन नहीं आ पाते हैं जी। तो थंब इम्प्रेशन नहीं आएंगे तो आधार सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर आई इम्प्रेशन नहीं आएंगे तो भी आधार सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस मामले में हमें बहुत समस्याएँ रहती हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बोलती है कि हर चीज़ में आधार लगाओ, जब हम कोई सुविधा के लिए या किसी भी तरह या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या किसी भी तरीके के काम के लिए हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आधार कार्ड हमें भरना पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चों के थंब इम्प्रेशन नहीं आते हैं, आईज इम्प्रेशन नहीं आते हैं, तो वो आधार हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है। तो ये समस्याएं अभी छोटे बच्चों का, हमने बचपन में इसका आधार बनवा दिया था जब आधार बनना शुरू हुआ था, लेकिन हमारे बच्चे का अंगूठे का प्रॉब्लम है तो वो फिर वैलिड नहीं होता है, नहीं आता है, तो इन सब बच्चों के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है। हमारा बच्चा मेंटली भी चैलेंज है, फिजिकली भी चैलेंज है, तो मल्टीपल डिसऑर्डर सर्टिफिकेट के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि वो आइए आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको सुविधा देंगे सर। और इनको विकलांग बोला जाता था, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया नाम दे दिया दिव्यांग, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमारे बच्चे हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जी। और जब तक हमें ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं, हम इनकी वैल्यू नहीं समझ पाते, इनका प्यार नहीं समझ पाते, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि लोगों के बीच में प्यार नहीं जागेगा। जब तक एक दूसरे को प्यार करना नहीं जागेंगे, तब तक चाहे कितने भी हम नाम दे दें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।